हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पूरा नेक्रोसिस खत्म किया था, तो आज के लेक्चर में हम गैंग्रीन स्टार्ट करने वाले। आज से पूरा गैंग्रीन ही करेंगे। तो आज फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करने वाले, देन हम ड्राई ग्रैंगिंग क्या होता है वो देखने वाले। तो स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। तो गैंग्रीन इज अ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद द सुपर एडर न्यूट्रीफेक्शन। तो गैंग्रीन क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू मीन्स टिश्यू में नेक्रोसिस होने के कारण विद क्या सुपर एडर प्यूट्रीफेक्शन, और प्यूट्रीफेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने के कारण गैंग्रीन कॉज होता है। नेक्रोसिस होता है फर्स्ट, देन प्यूट्रीफेक्शन बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लगते हैं, उसकी वजह से गैंग्रीन कॉज होता है। मोस्ट ऑफन द फॉलोइंग कोकुलेटरी नेक्रोसिस ड्यू टू इश्मिया। इश्मिया कॉज होने के कारण हमें, इश्मिया के कारण हमें कोकुलेटरी नेक्रोसिस होता है। कोकुलेटरी नेक्रोसिस हमें मोस्ट कॉमन गैंग्रीन में दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ द नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, उसमें नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन क्यों कहा गया? इन्फ्लेमेशन हो गया इस कंडीशन में, तो इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस की वजह से हुआ। नेक्रोसिस गैंग्रीन में नेक्रोसिस देखा जाता है कॉमनली, तो नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, गैंग्रीनस एपेंडाइटिस, गैंग्रीनस स्टोमाइटिस, दो एग्जाम्पल है नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन के। देयर आर थ्री मेन्स फॉर्म ऑफ गैंग्रीन्स, ड्राई गैंग्रीन, मॉइस्ट गैंग्रीन, उसे वेट गैंग्रीन कहते हैं, देन गैस गैंग्रीन। आज हम ड्राई गैंग्रीन पूरा कवर करने वाले और वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। इन ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगो लिक्विफिक्शन बाय द एक्शन ऑफ द प्यूट्रीफेक्टर बैक्टीरिया। द गैंग्रीन नेक्रोटाइजिंग नेक्रोसिस की वजह से कॉज हो रहा है, तो उसके अंडर किसके, नेक्रोसिस की वजह से, और प्यूट्रीफेक्टर बैक्टीरिया तो उसमें डिकम्पोज करने लगते हैं, उसकी वजह से गैंग्रीन कॉज होता है। द कॉजेज ऑफ गैंग्रीन, ये पूरा टू कॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की ही वजह से गैंग्रीन कॉज होता है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए उनको। ड्राई गैंग्रीन का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट, द गैंग्रीन्स बींग्स इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स ड्यू टू द इश्मिया विद द सिंपल मम्मीफिकेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। इश्मिया कॉज होता है, इश्मिया कॉज होने के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई में डिक्रीज, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स, किधर, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स में मोस्ट कॉमनली इश्मिया होता है। इश्मिया के होने की वजह से लिम्स में ब्लड सप्लाई होता नहीं है, तो उसकी वजह से हमें गैंग्रीन लिम्स में दिखाई देता है विद सिंपल मम्मीफिकेशन अफेक्टेड पार्ट, और बाद में मम्मीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है गैंग्रीन में। तो क्या होता है, इश्मिया कॉज होता है, इश्मिया कॉज होने के वजह से डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ अ डिस्टल पार्ट, देन द लिम्स इन द लिम्स देन क्रिएट द गैंग्रीन। देन टिपिकल एक एग्जाम्पल, सॉरी कॉजेस, हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन कॉजेस देख रहे हैं। तो टिपिकल एग्जाम्पल इज अ टिपिकल एग्जाम्पल इज ड्राई गैंग्रीन इज द टॉइज एंड फिट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू द सीवर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लोअर लिम्ब। तो क्या होता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है, उसके डिक्रीज द ब्लड सप्लाई होता है, डिक्रीज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कॉज उसमें क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हुआ तो क्या होगा, सीवर उस टॉइज में और फिट्स में ब्लड जाएगा नहीं, तो उसमें हमें गैंग्रीन दिखाई देगा इन लोअर लिम में। अदर कॉज ऑफ डायग्रैंगिंग, अदर कॉज कौन से डायग्रैंगिंग में, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑर्बिटरेंस जो कॉज है उसे हम बर्गर डिसीज कॉमनली कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस ये जो डिसीज है उसमें स्मोकिंग रिलेटेड है, स्मोकर में ज़्यादा दिखाई देता है। इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, द ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई अगेन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया तो क्या होता है, तो गैंग्रीन कॉज होता है। देन रेनॉल्ड डिसीज, इसमें भी स्किन में हमें कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है स्किन, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमें यहाँ कम दिखाई देता है, रेनॉल्ड डिसीज होता है। एंड देन ट्रोमा, इरगिट पॉइजन में क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि गेहूं के होता है उस बीज का, उसकी जैसा दिखाई देता है वो हमें इरगट प्लांट, तो इरगट पॉइजिंग हो जाती है, हेडेक होता है, डायरिया होता है उसमें, और गैंग्रीन हो जाता है। तो सडन ऑक्लूजन
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, लिगेशन ऑफ इंजुरी ऑफ ब्लड प्रेशर। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, एम्बोलिज्म में क्लॉट होता है, कोगुलेशन होने के कारण ब्लड सप्लाई होता है, मीन्स सॉलिड मास और एनी टाइप ऑफ मास ऑफ एम्बोलिज्म। तो ऑक्लूजन होता है ब्लड वेसल का, देन कॉज होता है गैंग्रीन। देन पैथोजेनेसिस देखेंगे हम। पैथोजेनेसिस में क्या है, द गैंग्रीन इज अ प्रोसेस ऑक्योर इज अ वन ऑफ द टॉयज विद द सैलेस इंजुरी टू द पार्ट। देख टॉयज को छोटी सी इंजुरी होने के कारण ब्लड सप्लाई, फाटेस्ट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, मीन्स केयर ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, हेंस द अफेक्टेड पर अपीयर कोल्ड एंड पर्सलेस। देन देयर इज अ लिटल और नो ब्लड सप्लाई इन अफेक्टेड पार्ट में ब्लड सप्लाई न होने के कारण प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, हार्डली ग्रो इन डेड टिश्यू। देन माइक्रोस्कोपिकली द एफेक्टेड पार्ट इज अ ड्राई श्रंकन एंड डार्क ब्लू रिसेम्बलिंग द मम्मीफाइड फूड। जैसे मम्मीफाइड फूड में होता है तो उसे अफेक्टेड पार्ट हमें कैसा दिखाई देता है, ड्राई श्रंकन और डार्क ब्लू। देन इट इज अ ब्लैक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिबरेशन होने के कारण हमें ब्लैक भी दिखाई देता है वो पार्ट। देन हिस्टोलॉजिकली देयर इज अ नेक्रोसिस विद द स्मजिंग ऑफ द टिश्यू, देन लाइन ऑफ द सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्यूल टिश्यू। द ग्रैनुलेशन टिश्यू दिखाई देता है रेंडर डिसीज के कारण, हमें हिस्टोलॉजी में दिखाई देता है। रेंडर डिसीज की वजह से ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, ब्लड सप्लाई के कम होने के बाद नैरोइंग ब्लड सप्लाई होता है, पेरीफेरी डज नॉट गेट ब्लड सप्लाई, देन एपियर हमें ब्लू ब्लू दिखाई देता है, तो रेंडर डिसीज में ही होता है। थैंक यू।